अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं नासिर अरफात नासिर और आप देख रहे हैं बहारेलम टीवी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 9th की 100% लगने वाले जो डेफिनेशंस हैं उनके बारे में। तो आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स इस वीडियो को साइलेंट किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि बाद में आप लोग जो है वही क्वेश्चन कमेंट्स में पूछ रहे होते हैं जो हम लोग वीडियो के दौरान बता रहे होते हैं। तो आप लोगों ने प्लीज़ इसको साइलेंट नहीं करना, वैसे ही आप लोगों ने इसको सुनते जाना है। तो हम लोग क्वेश्चन जो है रीड आउट करते हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरह सुनना है और यही डेफिनेशन आप लोग अगर कर लेंगे तो इंशाल्लाह गारंटी से आप लोगों के डेफिनेशन में पूरे मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, हर साल जो है पेपर में तकरीबन 15 से 20 मार्क्स की डेफिनेशन ही लगती हैं। जो स्टूडेंट्स सिर्फ डेफिनेशन कर लें और एमसीक्यूज कर लें, थ्योरम कर लें, 30+ मार्क्स इजीली उनके आ सकते हैं। तो ये डेफिनेशन जितनी भी हम लोग आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं। तो सबसे पहले जो डिफाइन है इसको हम पढ़ते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। तो ये आप लोगों ने डिफ़ाइन करनी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो डिफाइन है, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स कि पहला जो चैप्टर है इसमें मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। तो ये कोशिश करें कि पहले चैप्टर में जितने भी मैट्रिक्स की टाइप्स हैं वो सारी आप लोग कर लें। तो वैसे मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टाइप्स हैं मैट्रिक्स की वो इसमें गेस्ट पेपर में दी हुई हैं, आप लोग यही तैयार कर लें। अगर आप लोग पहले चैप्टर की डेफिनेशन कर सकते हैं तो वो आप लोग सारी कोशिश करें कि सारी कर लें। इसके बाद साइंटिफिक नोटेशन है, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में। इसके बाद LCM क्या है, ये भी डिफाइन आई हुई है। इसके बाद क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बाई सेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है। ये डेफिनेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके बाद है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स क्या होता है। इसके बाद है स्टेट पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम जो है ये बड़ी बार जो है ये क्वेश्चन आया हुआ है, तकरीबन 2015-16-17 सेशन, 18 सेशन में भी ये क्वेश्चन पड़ा जो है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, पैथागोरस थ्योरम। इसके बाद है ट्राइंगुलर रीजन क्या है। इसके बाद है ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिफाइन है। ये बल्कि जितनी भी मैं आप लोगों को डेफिनेशन बता रहा हूँ ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन हैं। इसके बाद है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या है, इसकी डिफाइन करनी है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट डिफाइन है ये भी। आप लोगों को बताता चलूँ डियर स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने सिर्फ ये डेफिनेशन ही अपलोड नहीं की, पहले हम लोगों ने मैथ के 100% लगने वाले गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए हुए हैं। आप लोग उनको भी देख सकते हैं, उनको तैयार करके इंशाल्लाह आप लोगों के 70+ मार्क्स गारंटी से आ सकते हैं। उस वीडियो का लिंक हम लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उसको भी ज़रूर देखिएगा। इसके बाद है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। इसके बाद है नल मैट्रिक्स, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी डिफाइन। इसके बाद है ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर ये भी डिफाइन, बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद है SSS and ASA पास्टुलेट्स, इसको आप लोगों ने थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, ये क्या होता है ये आप लोगों ने करना है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम ये आप लोगों ने करना है, बड़ी इम्पोर्टेंट डिफाइन है। इसके बाद ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये क्या होता है, लोगार्थम की डिफाइन, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट डिफाइन है, ये भी 3-4 बार आई हुई है ये क्वेश्चन, डेफिनेशन जो है रिपीट हुई है। इसके बाद है रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है, तो रिमाइंडर थ्योरम ये आप लोगों ने करना है। इसके बाद है कार्टेशियन प्लान क्या होता है, ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट डिफाइन है, काफ़ी बार ये रिपीट हुई है ये डेफिनेशन जो है। इसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये डेफिनेशन आप लोगों ने करनी है। तो इसके बाद है रेक्टेंगुलर रीजन क्या है। आप लोग डियर स्टूडेंट्स अगर इस प्लेटफॉर्म पे न्यू हैं
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सबसे पहले आप लोग नीचे एक रेड कलर का जो बटन देख रहे हैं उसको क्लिक कर दें, साथ बेल आइकन जो है उसको भी दबा दें, ताकि आप लोगों को हमारी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले और बआसानी मिलती रहे। बाद में फिर आप लोग भूल जाते हैं, क्योंकि ये पहला काम है आप लोगों का कि आप लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेशन के लिए सिर्फ आप लोगों ने ये जो सब्सक्रिप्शन का बटन है इसको क्लिक कर देना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारी जो टीम है वो मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आएगी। इसके बाद है क्वेश्चन, डियर स्टूडेंट्स, इन सेंटर क्या चीज़ है। इसके बाद है स्केलन ट्रायंगल क्या है। इसके बाद स्टेट एसएएस या एसएएस, ये आप लोगों ने करना है, ये आप लोगों को पता चल गया होगा ये क्या है स्टेटमेंट इसकी। इसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन लाइन एंड प्लेन। लाइन एंड प्लेन जो है ये आप लोगों ने करनी है डिफाइन, दोनों में फ़र्क आता है। इसके बाद क्वेश्चन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। ये वही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो बताई गई हैं, जो आप लोगों को पहले चैप्टर की मैंने बताया था कि याद करने के लिए टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो हैं। इसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी डिफाइन। HCF क्या होता है। ये LCM और HCF में फ़र्क आता होता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लाजमी आप लोगों ने करना है। इसके बाद क्वेश्चन है एक्सटेनियस रूट्स क्या होते हैं। एक्सटेनियस रूट्स जो है ये भी इम्पोर्टेंट डिफाइन है। इसके बाद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को यहाँ बताता चलूँ कि बहारे इल्म टीवी के नाम से हमारा पेज है फेसबुक पे, तो आप लोग पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी 100% लगने वाले गेस्ट पेपर अपलोड होते रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हमारे फेसबुक पेज पर भी है, आप लोग ज़रूर हमारे पेज को विज़िट कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा जो फेसबुक पेज है उसका लिंक जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ज़रूर आप लोग प्लीज़ विज़िट कीजिएगा हमारे पेज को भी और फॉलो लाजमी कीजिएगा। इसके बाद है ट्रेपीजियम क्या है। इसके बाद है सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं। इसके बाद है इक्विलेटरल ट्रायंगल, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी डिफाइन। इसके बाद है सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है। सिमिलर ट्रायंगल्स की डिफाइन आप लोगों ने करनी है। इसके बाद है कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम। इसके बाद ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट डिफाइन है, कन्वर्स ऑफ पैथागोरस थ्योरम बड़ी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार आई हुई है ये डिफाइन। ट्रायंगुलर रीजन क्या होता है। इसके बाद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है। ये तो थी डियर स्टूडेंट्स आज की इंग्लिश मीडियम की मोस्ट इम्पोर्टेंट और 100% लगने वाली डेफिनेशंस। अब रही बात उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए हम लोग इसी की ट्रांसलेशन करके जो है वो अपलोड करेंगे वीडियो कुछ ही देर बाद। और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स सिर्फ पास होना चाहते हैं मैथ में, उनके लिए भी इंशाल्लाह कुछ ही देर बाद जो है वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर फॉलो करें, इसको इसके साथ लिंक रहें, और इसी चैनल से ही आप लोगों को 100% लगने वाले गेस्ट पेपर, पासिंग मार्क्स कैसे हासिल करने हैं किसी भी सब्जेक्ट में, और आप लोगों के पूरे पूरे मार्क्स जो हैं वो कैसे आ सकते हैं, ये हर किस्म का मटेरियल जो है इंशाल्लाह इसी चैनल पे ही आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स भी आप लोग डियर स्टूडेंट्स लाजमी दिया करें कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ है और कैसे पेपर हो रहे हैं और गेस्ट पेपर हमारा कितने परसेंट लग रहा है, ये लाजमी आप लोग किया करें, ताकि हम लोग जो है मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आएं और आप लोगों के मार्क्स बोर्ड में पूरे पूरे आएं। तो डियर स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो शेयर कर दें यार अपने दोस्तों को, और ताकि उनका पेपर भी आप लोगों की तरह बहुत ही अच्छा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट बेहतरीन वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पान।